वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ। ऐसे राइटिंग बहुत दिन से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर कुछ ऐसे वैसे लिखना सिखाइए, कुछ राइटिंग स्किल्स सिखाइए। तो सबसे पहले मैं कुछ बात करूँगा आपसे, और वो बात मैं कर रहा हूँ राइटिंग स्किल्स के बारे में। राइटिंग स्किल्स मैं आपसे बात करूँ, है ना, तो राइटिंग स्किल्स पहले जो लिख रहा हूँ वहाँ फोकस करो आप लोग, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स की बात करूँ तो जहाँ पे स्किल्स की बात की जाती है तो स्किल्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स का मतलब होता है निपुणता, यानी आपके अंदर आप कितने निपुण हैं, कितने वेल वर्स्ड हैं, कितने एट होम इन हैं, उस निपुणता को शो करता है। जैसे स्किल्स आपने सुना होगा, डांस स्किल आपने सीखा होगा, सिंगिंग स्किल आपने सीखा होगा, हर चीज का जो स्किल होता है, तो डांसिंग स्किल कोई भी स्किल है, तो स्किल दो तरह के होते हैं। एक स्किल बाय बर्थ होता है और एक स्किल हम लोग अक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। तो जो स्किल, जैसे मान लो किसी के माता पिता गायक है, सिंगर है, तो उसके बेटा बेटी भी कोई ना कोई वजह से गला ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, दिया गया होता है कि वो सिंगर बनेगा ही बनेगा, उसके गाने का गला अच्छा होगा ही होगा। उसी तरह से डांस का है, तो डांस का बचपन से अगर जिसने करा है तो स्किल्स या तो अक्वायर करता है, या तो बचपन से उसके अंदर एक हासिल करने की इच्छा होती है, या फिर बाय बर्थ उसके अंदर टेंडेंसी होती है। तो स्किल जो राइटिंग स्किल्स है, वो स्किल्स भी आपको डेवलप करना होगा। राइटिंग स्किल्स के लिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है नहीं बनती है, बचपन से आप लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो, इस तरह से। तो राइटिंग स्किल्स बनाने के लिए आपको हर दिन सतत प्रयास करने होंगे, चलने होंगे मेरे साथ। और जो मैं आज कह रहा हूं, अगर आपने आज से चलना शुरू कर दिया तो आपको अंग्रेजी राइटिंग स्किल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं पूरा पार्ट लिखा हूं, आपको पूरा ऐसे सिखा दूंगा आज किस वीडियो में, शुरू से लास्ट देखो और देखते हैं फिर कैसे काम होगा। तो हमने कहा स्किल्स की बात, तो ये जो स्किल है ना, हम लोग इसको डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो स्किल डेवलप कैसे होगा, ये राइटिंग स्किल, सबसे पहले काम क्या करना है कि आपके पास दो तीन किताब होना चाहिए। एक होना चाहिए योजना, दूसरा होना चाहिए कुरुक्षेत्र, तीसरा होना चाहिए एनसीईआरटी, चौथा होना चाहिए टेल मी वाय। तो ये सारे जो मैगजीन्स हैं ये आपके पास होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा, तो जब ये मैगजीन आपके पास होगा तो आप एक काम करो, एक वाइट पेज लेना। क्या लेना? एक वाइट पेज। अब क्या करना है कि इसको देख करके आप, एक हुआ कि प्रतिदिन इसको आप रीड करो, रीड करने के बाद अब प्रतिदिन एक पेज राइटिंग करो, एक पन्ना रोज लिखो, एक पन्ना रोज आप राइटिंग करो। जब एक पन्ना एक पेज रोज राइटिंग करोगे फिर आप इसे मिला लो पढ़ करके, कोई भी, जैसे आज हमने योजना पढ़ लिया, आज हमने कुरुक्षेत्र पढ़ लिया, आज हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, कोई भी एक किताब आज आपने पढ़ लिया, पढ़ने के साथ आप करो उसको पढ़ करके आप यहां पे लिखो। जैसे मान लीजिए कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र लिख रहे हो तो देख करके कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, आप इसको पढ़ करके कुरुक्षेत्र लिखो। जब स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसको इस प्रकार से बॉक्स बना लो, कितने वर्ड गलत हो गए। इससे क्या होगा, इससे आपका स्पेलिंग इंप्रूव होगा। जब स्किल, चूंकि अभी आपको लिखने में भार लगता होगा यार लिखना पड़ेगा, आप ईमानदारी से बोलो कि पिछले एक बरस में राइटिंग स्किल्स के लिए कितने पन्ना लिखा है? नहीं लिखा ना, मुझे पता है। यानी जब आप राइटिंग स्किल्स, आप स्किल डेवलप करना चाहते हो स्किल, तो स्किल के लिए तो हर दिन लिखने की आवश्यकता होगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप डांस स्किल करने जा रहे हो और आज तक डांस नहीं किया तो क्या कोचिंग में एडमिशन लेने से डांस करना आ जाएगा? नहीं, करना तो खुद पड़ेगा ना। अगर आपने सिंगिंग स्किल, सिंगिंग के लिए एडमिशन लिया है और गाना एक भी दिन नहीं गाओगे तो क्या एडमिशन लेने से गाना गाने आ जाएगा? नहीं ना। तो आपके अंदर वो स्किल्स पैदा करना है। तो वो स्किल्स पैदा कैसे होगा, तो इसके लिए डेली प्रतिदिन एक पन्ना राइटिंग करिए, प्रतिदिन रोज एक पेज लिखिए। इससे होगा क्या कि आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। और कोई भी स्किल्स आप डेवलप करोगे, प्रतिदिन पढ़ना है रोज लिखना है, रोज पढ़ना है रोज लिखना है, इस तरह से जब काम करोगे तो आपका स्किल्स डेवलप हो जाएगा और फिर आप बेहतर कर जाओगे आप प्रतिदिन। तो आपके घर में योजना कुरुक्षेत्र, अभी किताब का नाम क्यों बता रहा हूं,
क्योंकि आप योजना पढ़ोगे तो सरकारी पॉलिसी पता चलेगा, कुरुक्षेत्रा पढ़ोगे तो पॉलिसी पता चलेगा, तो तरह तरह के आइडियाज आपके दिमाग में आते रहेंगे। आइडियाज नहीं होगा तो राइटिंग कैसे स्टार्ट करोगे। फिर बात मैं करूं कि सर ऐसे राइटिंग की बात करूं, तो ऐसे राइटिंग क्या है, तो राइटिंग इज अ प्लान, ऐसे इज अ प्लान नॉट राइटिंग। तो सबसे पहले आप प्लान बनाइए दिमाग में कि मुझे किस चीज पर राइटिंग करना है, कितने तरह की राइटिंग होता है। तो एक रिटन कंपोजिशन आपके दिमाग में एक आउटलाइन होना चाहिए कोई भी चीज लिखने से पहले। तो हमने कहा कि ऐसे राइटिंग, तो सबसे पहले हमने ऐसे का क्लासिफिकेशन किया कितने तरह के ऐसे होते हैं। हमने कहा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, दूसरा कहा नरेटिव ऐसे, तीसरा कहा रिफ्लेक्टिव ऐसे, चौथा कहा इमेजिनेटिव ऐसे। ये चार तरह के ऐसे हमने आपको दिए, कौन कौन सा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे और इमेजिनेटिव ऐसे। तो चार ऐसे का नाम हमने आपको सामने रखा है। अब इस चार ऐसे को आप आराम से एक एक करके देखने का प्रयास करें, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, रिफ्लेक्टिव और इमेजिनेटिव। अब आप देखिए ये जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है ये कौन सा काम करता है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी भी ऐसे का वर्णन करना, व्याख्या करना। जैसे मान लो कोई भी हो, इसमें इस डिस्क्रिप्टिव के तहत जैसे किसी पर्सन के बारे में लिखना हो तो आपको क्या डिस्क्राइब करना हो, महात्मा गांधी के बारे में लिखना हो तो महात्मा गांधी के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई वो जन्मे कब थे, मरे कब थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी। तो डोंट स्टार्ट, सबसे पहले राइटिंग के लिए आप यहां पे एक स्ट्रक्चर देखो कि राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, राइटिंग के लिए सबसे पहले सोशल का ज्ञान होना चाहिए, राइटिंग के लिए पॉलिटिकल ज्ञान होना चाहिए, राइटिंग के लिए एक कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। अब जब राइटिंग कर रहे हो तो इकोनॉमिकल सेशन स्ट्रांग, यानी जब भी किसी समाज, मैं एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक ले रहा हूं, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, हमने लिखा द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब आप ध्यान देना कि हमने कहा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे। अब हमने ऐसे के प्रकार बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस प्रकार को जानने से पहले आप यहां पे जानो कि किसी भी चीज की राइटिंग, किसी भी चीज के बारे में लिखना आपको शोभा कब देता है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल। यानी अगर पेन के बारे में लिखना है, काउ के बारे में लिखना है, आपसे मैं एक बात पूछता हूं, आपके गांव में कोई एक व्यक्ति अमीर है कि नहीं है, होगा ना। तो अमीर जब व्यक्ति बनता है तो उसका समाज वैल्यू अपने आप मिल जाता है। अगर कोई इकोनॉमिकल स्ट्रांग है तो बोलो सोशल स्ट्रांग हुआ कि नहीं होगा, होगा ना। यानी जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग होगा वो सोशल भी स्ट्रांग होगा ही होगा, जो इकोनॉमिकल स्ट्रांग होगा वो सोशल स्ट्रांग होगा ही होगा, अगर सोशल स्ट्रांग होगा तो पॉलिटिकल स्ट्रांग भी वही बनेगा, और पॉलिटिकल स्ट्रांग बनेगा तो उसका अपना एक कल्चर होगा, अपना एक कल्चर होगा। जैसे मान लो एक अमीर व्यक्ति है, उसका सामाजिक वैल्यू अपने आप बढ़ गया, भाई अमीर है, उसका पॉलिटिकल वैल्यू नेता बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा, सरपंच बन जाएगा, कल्चर हो जाएगा। मान लो एक बड़े लोग का बेटा बड़े लोग की बेटी से शादी किया तो क्या आप जात पात पूछोगे, नहीं ना, क्यों, क्योंकि उसका अपना कल्चर है। लेकिन वही गरीब आदमी गरीब से शादी करता है और जाति में भिन्नता है, हिंदू मुस्लिम शादी कर लिया तो दंगा हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि वहां पर कल्चर नहीं है। तो कल्चर पैदा करने के लिए क्या होता है, कल्चरली ऊपर होना चाहिए ताकि दोनों का पैरेलल हो जाए। यानी इकोनॉमिकल स्ट्रांग तो कुछ भी कर सकता है, उसका सोशल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जब बड़े लोग, जब आपके कोई भी चीज, एक गांव में अगर कोई हिंदू मुसलमान शादी कर लिया तो बोलो टिक पाएगा गांव में, नहीं टिक पाएगा, नल्ला नल्ली है, वो बर्बाद हो जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन अगर आपके बड़े नेता का बेटा, हीरो हीरोइन का बेटा अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी से शादी कर ले, कोई जात नहीं पूछेगा, वहां क्या पूछेगा, वहां पूछेगा कि चलो भाई बड़े लोगों की बड़ी बात। तो कहने का सेंस यह है कि आप जब राइटिंग कर रहे हो तो हर चीज में इकोनॉमिकल आपको सर्च करना है। काउ पे लिख रहे हो तो देखो काउ का इकोनॉमिकल क्या है, काउ का सोशल क्या है, काउ का पॉलिटिकल क्या है, काउ का कल्चर क्या है। आप खुद बताओ कि काउ का इकोनॉमिकल वैल्यू है कि नहीं, मिल्क दूध निकालते हो, इकोनॉमिकल वैल्यू। सामाजिक वैल्यू क्या है, गाय हमारी माता है। पॉलिटिकल क्या है, देख रहे हो गाय के बारे में कितना दंगा, कितना फसाद। कल्चर क्या है, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, यानी हम लोग गाय की पूजा कर रहे हैं, वी वर्शिप काउ फ्रॉम एंशियंट टू
मॉडर्न टाइम, मॉडर्न से लेकर के एंशन से लेकर के अभी तक पूजा करें गाय की, तो कल्चर संस्कृति हो गया। तो यहाँ हमने कहा द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया, अगर आपको ऐसे लिखना है, ये तो प्रकार बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ऐसे लिखना है द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो महिलाओं पर ऐसे लिखे तो आप बताओ कि स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया, महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है या बुरी है। अगर आपसे कोई ऐसे पूछा है, इसका मतलब है कि उसमें कमियां हैं, वो अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर अच्छी होती तो क्यों नहीं ऐसे वाले पूछे कि द स्टेटस ऑफ मैन इन इंडिया, मैन के बारे में क्यों नहीं पूछा गया। आज नहीं पूछा जाएगा, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद मैन के बारे में पूछा जाएगा। अभी पूछा जा रहा है किसके बारे में, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी भारत में महिलाओं की स्थिति। इसका मतलब कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति खराब है तभी पूछा जा रहा है। तो हमने कहा द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो देखो उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति भारत में कैसा है। स्टेटस का मतलब होता है सोशल पोजीशन, तो आप देखो कि महिलाओं का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, फिर देखो कि उसका सोशल कैसा है, इकोनॉमिकल कैसा है, फिर देखो उसका सोशल कैसा है। जब इकोनॉमिकल खराब होगा तो उसका सोशल भी खराब होगा, जब इकोनॉमिकल खराब होगा तो उसका सोशल खराब होगा। क्यों भाई, आप अपने घर से ले लो ना, आपके घर में माता है, माता कमाती भी होंगी ना, तो दबदबा पिता का होगा, क्योंकि बिकॉज आवर सोसाइटी इज मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, हम लोगों का समाज क्या है, पितृ प्रधान समाज है, और पितृ प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को दबन किया जाता है, महिलाओं को दबाया जाता है, चाहे बेटी हो, चाहे औरत हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे कोई भी हो, यानी कि महिलाओं की स्थिति खराब है। क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन, यानी महिलाओं की तुलना में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की इकोनॉमिकल पुअर है। फिर उसका सोशल, सोशल पुअर है, क्यों भाई, सामाजिक क्या है, तो हम लोग लगाते हैं बुर्का प्रथा, घूंघट प्रथा, अभी जितनी प्रथाएं हैं महिलाओं को लग रहा है कि अच्छी चीज है, ना ना ना, ये बुरी चीज है। क्यों, क्योंकि जब महिला ढक सकती है चेहरा तो पुरुष क्यों नहीं, तुम भी ढको ना, तो इसलिए यहां पे क्या है, प्रथा है। तो इस प्रथा को क्या है, कुप्रथा है। तो इस कुप्रथा क्या है, सोशल, उसका आर्थिक कमजोर तो सोशल कमजोर, भाई समाज में कोई पहचानता नहीं उसको, अब उसका पॉलिटिकल वो नेता नहीं बन सकती, मुखिया नहीं बन सकता। हालांकि बिहार एक स्टेट है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है कि मुखिया बनेगा तो महिला ही बनेगी, तो इस तरह से, लेकिन लेकिन अगर मुखिया बन भी गई तो उसको मुखिया जी कहला रहे हैं कौन, उसका पति, उसका बाप, यानी कि वो महिला घर में रोटी बेल रही है लेकिन उसको कला कौन रहा है, पति कला रहा है, मुखिया जी वो है। कहने का सेंस ये है कि इकोनॉमिकल कमजोर तो सोशल कमजोर, और सोशल कमजोर तो पॉलिटिकल भी कमजोर, और फिर उसका कल्चर नहीं है, अपने मन से वो दिल्ली पढ़ नहीं आ सकती, वो जिद नहीं कर सकती कि हमको दिल्ली पढ़ने जाना है। हालांकि आजकल महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हालांकि आजकल महिलाएं बहुत तेज आगे विकास हो रहा है, लेकिन ये जो सामाजिक कुप्रथा है, ये सामाजिक परंपराएं हैं, तो हम लोग राइटिंग नहीं तो करना है कि द स्टेटस ऑफ इंडिया, यानी कि यू हैव टू एक्सप्लोर योर माइंड, अपने माइंड को एक्सप्लोर करो, माइंड को फैलाओ। अगर लिखना चाहते हो राइटिंग तो आपको कंजर्वेटिव नहीं बनना है, आपको बिल्कुल ही ब्रॉड माइंड बनना है, ये नहीं कि बस बायस्ड है, आपको अनबायस्ड होना पड़ेगा राइटिंग स्किल्स के लिए। अनबायस्ड यानी थॉट न्यूट्रल रखना है, एक व्यवहारिक सोच रखनी है, आप किस जाति के हो, किस कौम के हो, इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी जाति, किसी भी कौम के हो, लेकिन जब राइटिंग करते हो तो बिल्कुल न्यूट्रल लोग सोचिए कि क्या प्रथा, क्या प्रथा, क्या क्या कुप्रथा। आपको मैन और वुमेन में अंतर नहीं करना होगा, दोनों मानव जाति हैं, और उसी मानव के एक अंग होकर के आपको थॉट डेवलप करना पड़ेगा, तब आप बेहतर राइटिंग कर सकते हैं। तो हमने कहा द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या है, तो इकोनॉमिकल लिखेंगे 50 लाइन 10 लाइन, सोशल लिखो 10-20 लाइन, पॉलिटिकल लिखो 10-15 लाइन, कल्चर लिखो, हो गया ऐसे तैयार। लेकिन कब से कब तक, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, ए महिलाओं की स्थिति खराब आज नहीं हुई है, ये ऋग्वैदिक टाइम से देखो, यानी कि इन ऋग्वैदिक टाइम दे आर इक्वली पार्टिसिपेटेड इन सभा एंड समिति, बट आफ्टर जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप गुप्ता काल में आएंगे, तो गुप्ता काल में क्या था, सती प्रथा का जन्म हुआ, तो सती प्रथा का जन्म हुआ, इन महिलाओं की स्थिति बिकम बैड टू बॉस, तो बिकम बॉस डे टू डे, यानी ग्रेजुअली उनकी स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। फिर दिल्ली सल्तनत में आओगे, फिर मुगल काल में आओगे, फिर मॉडर्न में आओगे, फिर आज के काल में आ जाओ, तो कहीं अच्छी दिखा दो, कहीं बुरी दिखा दो, आप एक्सप्लोर करो, माइंड को जितना फैलाओगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में डेवलप करेगा। इसके बाद हमने कहा, अब यहां तक समझ में आ गया, अब देखो ये चार तरह के ऐसे होते हैं, यहां बताया कि कैसे तुम सोचोगे, यहां तुम्हारा थॉट डेवलप किया हमने, यहां हमने कहा
कैसे तुम कितने प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव बेसिक, यानी कि आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दूसरा हमने कहा नरेटिव बेसिक, नरेटिव का मतलब होता है कि आप चरित्र चित्रण कीजिए, नरेटिव का मतलब होता है चरित्र चित्रण। जैसे आपको लिखना है द हिस्ट्री लेजेंड, आपको मान लो लिखना है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आपको लिखना है महात्मा गांधी का, तो नरेटिव का मतलब होता है चरित्र चित्रण कीजिए। विवेकानंद के बारे में, तो जिसको आप चरित्र चित्रण, वो रियल भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। दूसरा कहा रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, जो रिफ्लेक्शन हो, जैसे मूवी देखते हो रिफ्लेक्शन, यानी जो समाज पर प्रभाव पड़ता है। घर में महिलाएं पुरुष टीवी देखते हैं, अब टीवी का प्रभाव पड़ रहा है घर पे। आज जो घर फूटने का केस कहाँ से हो रहा है, टीवी से हो रहा है। लोग टीवी देख लिए सीरियल, अब सीरियल देखने के बाद वैसा ही काम करना शुरू करते हैं घर में, सास ससुर से, ससुर सास से, पति पत्नी से, पत्नी पति से। तो इस तरह से जो घर फूट रहे हैं वो क्या रिफ्लेक्टिव ऐसे है। अभी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है मोबाइल इज अ बून और कर्स, तो मोबाइल के बारे में पूछा है कि बून है कि कर्स है, ये श्राप है कि अभिशाप है, ये क्या दिया गया है, अभिशाप है कि वरदान है। तो रिफ्लेक्टिव ऐसे का मतलब हुआ कि जो रिफ्लेक्शन होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिव ऐसे, जैसे मूवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सिनेमा हो गया, है ना, टीवी हो गया, ये किस में आता है रिफ्लेक्टिव में। इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव का मतलब हो गया काल्पनिक ऐसे। इफ आई वेयर द PM ऑफ इंडिया, इंडिया विल बी आफ्टर 30 years, तो जो भी इमेजिनेटिव क्या कल्पना है, तो जो काल्पनिक ऐसे है उसे हम कहते हैं इमेजिनेटिव। जो आपके एग्जाम में ज्यादातर है वो कौन पूछता है, रिफ्लेक्टिव ऐसे पूछता है, जो कि हमेशा आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा कि भाई मोबाइल बून है कि कर्स है। आपसे पूछा गया कि आपसे पूछा गया ऐसे कि आप ऐसे लिखो कि मूवी इज द बून और कर्स, मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो मूवी इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो इस पर आपको लिखना है पॉजिटिव और नेगेटिव भी, तब जाकर के आपका ऐसे तैयार होगा। मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ बताया हूँ कि आप कैसे सोचोगे, कैसे लिखोगे, तब आपका ऐसे तैयार होगा, तब आप बेहतर सोच पाओगे। इस वीडियो को एक बार में नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार देखो, तब आपको एक आइडिया मिलेगा। फिर मैं आपको कैसे दें इंट्रोडक्शन, कैसे दें बॉडी, कैसे करें कंक्लूजन, तो हर चीज़ के बारे में एक एक टॉपिक पे बनाना पड़ेगा, तब आप समझोगे। ये हमने एज अ होल ऐसे का पार्ट समझाया कि कैसे आप थॉट करो, कैसे आप लिखो, कैसे विचार करो, इससे आपके ऐसे पे सोच डेवलप होगा। अभी आप ऐसे का कोई भी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप लिखना सीखिए, गलत या सही जो मन करता हो पहले आप लिखो। कैसे लिखें सर, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, इस पे आप पहले लिखो, सोचो मत राइट होगा कि रॉन्ग होगा, पहले लिखना सीखो। डांस करने के लिए पहले एक्सरसाइज करो, गाने के लिए पहले गाना सीखो, और लिखने के लिए पहले लिखना सीखो। लिखना आपको आ जाएगा, गारंटी करता हूँ। और इस तरह से अब तक इस वीडियो को सबको जरूरत है, पूरे भारत में फैला दो क्रांति की तरह, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।